आज जो ये इवेंट जारी है किपट ट्रैवलिंग सेमिनार का है, बेसिकली हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वैराइटल डेवलपमेंट का एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है। हर इंस्टीट्यूट अपने एडवांस लाइंस और जो इलीट लाइंस है वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनकी जो फाइनल टेस्टिंग होती है मल्टी लोकेशन या मल्टी इन्वायरमेंट एक ट्रायल कंडक्ट होता है। पूरे केपी में लगभग कोई 15 लोकेशंस या 15 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में इसकी टेस्टिंग होती है। इसकी अडैप्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इससे ये अंदाज़ा हमें हो जाता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कैंडिडेट लाइंस है उनकी परफॉर्मेंस डी आई खान से लेकर चतराल तक जो एक वेरिंग एनवायरनमेंट्स है उसमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर 2 साल की ये टेस्टिंग जो हो जाती है तो उससे ये फाइनल स्टेज में ये पहुंच जाते हैं वैराइटल डेवलपमेंट या वैराइटल अप्रूवल, उसका जो है प्रपोजल सबमिट होता है वैराइटल अप्रूवल के लिए। जो अच्छी परफॉर्मिंग लाइन है, जो आउटस्टैंडिंग लाइन है, जो स्टेबल है वेरिंग एनवायरनमेंट में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है, वो लाइन्स जो है वो सेलेक्ट होती है और उससे फिर वैरायटी बनाते हैं। बेसिकली एम इसका ये है किपट का या जो भी मल्टी लोकेशन ट्रायल का है कि आजकल सिनेरियो चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, जो मौसमियाती तब्दीली या तगैर आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे वैरायटीज़ बनाएं जो इस क्लाइमेट चेंज को इस क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है उसको ये बर्दाश्त कर सकें और इस इफ़ेक्ट में वो हाई यील्ड भी दे, डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी उसमें हो और चाहे हीट स्ट्रेस या ड्राउट स्ट्रेस ये दोनों, स्पेशली अगर डी ए खान की बात मैं करूँ तो यहाँ पर हीट स्ट्रेस और ड्राउट स्ट्रेस का मसला है, तो उन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी है उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसे वैरायटी डेवलप करें जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियात हो। जो रिसर्च सिस्टम है, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट है, उनकी कोई कोशिश जो है यही है कि हम ऐसे वैरायटीज़ डेवलप करें जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियात हो। जो बारानी एरिया, चूँकि केपी में हमारा मोर देन 60% एरिया जो है वो बारानी है, तो ऐसे वैराइटीज़ हो जो बारानी इलाके में अच्छी परफॉर्मेंस दे और फार्मर्स की जो है इनकम और उनकी प्रोडक्शन बढ़े। तो हमारे रिसर्च जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी बेसिक एम ये है कि हम ऐसी वैराइटीज़ बनाएं जिससे फार्मर्स को फ़ायदा हो। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले सालों में जो बारिशें, बेवक्त बारिशें होती है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुँच जाता है और सीड की कमी आई थी, तो उस कमी को मद्देनज़र रखते हुए, उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ऐसी वैराइटीज़ अपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए और इवन पूरे मुल्क के लिए ऐसी वैराइटीज़ बनाएं जिससे फार्मर्स को फ़ायदा हो, उनकी इनकम बढ़े, उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनको उनका जो है इजाफी ख़र्चा स्प्रे का और पानी का ये ज़्यादा खर्च आना है, कम से कम खर्चे पर उनकी आमदन ज़्यादा बढ़े।